नाज़रीन आदाब, इंडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरें शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल नदवी ने कहा, इंसानियत के बगैर कोई मजहब नहीं, दरिंदगी के दौर में इंसानियत को आम करना जरूरी। बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पुलिस बॉयज एसोसिएशन के सदर रवि वैद्य का वजीर आला से मुतालिबा। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कारजा शरफुद्दीन मुल्ला को शहर व जिला की सौंपी कमान। और लेबर कॉलोनी मुकदमे की समाअत हुई मुकम्मल, औरंगाबाद बेंच ने महफूज रखा फैसला। अब खबरें तफसील से। इंसानियत ना हो तो मजहब बाकी नहीं रहेगा और इंसान जानवर बन जाएगा। आज के दरिंदगी वो नफरत भरे माहौल में इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की सख्त ज़रूरत है। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल नदवी ने एडीएन से बात करते हुए ये बात कही। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम की जानिब से फिक्र के बगैर पुरसकून जिंदगी कैसे गुजारें, इस उनवान से जुमेरात की शाम डॉक्टर रफीक जकरिया कैंपस में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें लखनऊ से मौलाना सैयद बिलाल नदवी, मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, घाटी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट काशीनाथ चौधरी और ऋषिकेश जायसवाल वगैरह बतौर खास मौजूद थे। प्रोग्राम में हर मजहब व ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बाअसर व सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद माशरे में जज्बा इंसानियत को फ़रोग देना था। एडियन से बात करते हुए मौलाना सैयद बिलाल नदवी ने कहा कि इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून सिर्फ इंसानों की खदमत करके ही मिल सकता है, इसलिए दरिंदगी और नफरत के इस माहौल में मोहब्बत व इंसानियत के पैगाम को आम करने की सख्त ज़रूरत है। हम लोग तो इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम करते हैं, उसके लिए मोहब्बत फैलाते हैं, उसके लिए पूरे मुल्क में घूमते हैं और कोशिश है कि लोग इस बात को अगर समझ लेंगे तो इससे जो फ़िज़ा बनेगी, जो माहौल बनेगा, उससे सबको फ़ायदा पहुंचेगा। ज़िंदगी का उसी में मज़ा है। अगर एक दूसरे से नफरतें बढ़ेंगी तो उससे आदमी जो जीवन बिता रहा है उसको कोई मज़ा नहीं, और आगे क्या खतरात हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी मोहब्बतें पैदा की जाएँ, एक दूसरे से लोगों को जोड़ा जाए, फीलिंग ख़त्म की जाए। जो मज़हब के लोग हैं, जिस तहजीब कल्चर के लोग हैं, सब मिल कर रहे हैं और जो मज़हब उनका है वो अमल करें उस पर। लेकिन जब हम बाहर मैदान में आते हैं तो उसमें हमें एक होकर काम करने की ज़रूरत है, इस मुल्क को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारा सबके लिए एक मैसेज है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत अगर आदमी के अंदर है तो उसको बहुत कुछ हासिल हो सकता है, और अगर इंसानियत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मज़हब भी बाकी नहीं रहेगा। मज़हब जब ही बाकी रहेगा जब इंसानियत के साथ आदमी रहेगा। अगर वो इंसान नहीं है, वो जानवर बन जाएगा, तो फिर कौन सा मज़हब इसको कबूल करता है? कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जानवर बन जाए आदमी। तो इसलिए कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इंसानियत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के काम आएँ, इससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं और हमारे तमाम कामों में फिर हमें उससे एक ताकत मिलती है। और ये इस मुल्क को गोया कि घुन की तरह कीड़ा लग गया है। ये सब चीज़ें जो पैदा हुई हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये जो एक बहुत शानदार दरख्त है उसको अंदर से घुन लग गया, हमें इसको निकालना है और मोहब्बतें पैदा करनी है, और ये इस तरह की जो खराबियां हैं उन खराबियों को दूर करना है, इससे हम भी आगे बढ़ेंगे, मुल्क भी आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये मुतालिबा पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने वजीर आला से किया। किरीट सोमैया ने हाल ही में रियासती महकमा पुलिस के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको लेकर इनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। जालना येथे 1 डिसेंबर रोजी खासदार किरीट सोमैया यांनी पोलिसांबद्दल जे वक्तव्य केलं, का मुंबई पोलीस ही माफिया आहेत आणि महाराष्ट्र पोलीसवर जनतेचा विश्वास नाहीये, तर माझी खासदारांना किरीट सोमैयांना एक म्हणणं आहे, का अर्ध्या घंट्यासाठी जर पोलीसवाले सुट्टीवर गेले तर महाराष्ट्राचं होतंच नव्हतं म्हणजे। कोरोना काळात पोलीसवाले, पोलीस अधिकारी, पोलीस भगिनी
त्या सगळ्या ड्युटीवर होते आणि तुम्ही खुशाल घरात बसून होते. पोलीसवाले जर माफी असले असते तर मुंबईच्या जगामध्ये मुंबई पोलीस हे 2 नंबरला जगात मानलं असतं. तुम्ही जे वक्तव्य केलं त्यांचं तुम्ही पोलिसांची माफी मागा, अन्यथा पोलीस बॉयज असोसिएशन तुम्हाला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. तुम्ही जे एका सुज्ञ पक्षाचे खासदार आहात, एका खासदाराने एका लोकप्रतिनिधींनी असं वक्तव्य करणं हे महाराष्ट्रात फार महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळं फासणारं आहे. तुम्ही लवकरात लवकर जर पोलिसांची माफी मागितली नाही तर पोलीस बॉयज असोसिएशन महाराष्ट्रात तो तुमच्याबद्दल आंदोलन करेलच, पण तुम्हाला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. माजूर अफराद को जायदाद टैक्स में 100% रियायत देने के लिए अगली रियासती काबिनी मीटिंग में फैसला किया जाएगा. ये अहम ऐलान आज रियासती वजीर मुमलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने आलमी योम माजूरीन के मौके पर मुनाकदा प्रोग्राम में किया. ज़िला परिषद के महकुमा समाज कल्याण की जानिब से आज आलमी योम माजूरीन के मौके पर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रहनुमाई इजलास मुनाकद किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया. इस मौके पर MLC अंबादास दानवे, ज़िला परिषद की सदर मीना शेड़के, किशोर बलांडे, मोनाली राठौड़ वगैरह ने शिरकत की. इजलास का मकसद अपाहिज व माजूर अफराद के मसाइल से वाकफियत हासिल करना और हुकूमत की इस्कीमात से उन्हें वाकिफ करवाना था. इजलास में माजूरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें जायदाद टैक्स में छूट दी जाए. जवाब में अब्दुल सत्तार ने कहा कि अगली काबिनी मीटिंग में माजूरीन को 100% टैक्स में छूट का फैसला लेंगे. इजलास में एडवोकेट नवाब पटेल की तहरीर करदा किताब का इजरा मेहमानों के हाथों अमल में आया. ये किताब माजूरीन के आईनी हकूक की मालूमात पर मुबनी है. आपल्या जिल्हा परिषदेने जी तरतूद केलेली आहे ती निराधारांना निर्वाह भत्ता यासाठी 17 लाख रुपयाची स्कूटर विथ काहीतरी त्यांना मोटरसायकल सारखा किंवा 4 पहिये किंवा 2 साईडला 2 समोर अशी 4 पहियाची स्कूटर देण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याकडे 70 लाख रुपयाची नियोजन करण्यात आलेलं आहे. डे केअर सेंटर जिल्हा स्तरावर 19,50,000 रुपये सामायिक लाभ, लवकर निदान व्हावं, त्वरित उपचार मिळावं यासाठी 60 लाख रुपये व अपूर्ण घरकुलाची योजना पूर्ण करण्यासाठी 5 लाख रुपये, विना आठ घरकुल 66 लाख रुपये, अपूर्ण घरकुलाची पूर्तता करण्यासाठी 58,85,000 रुपये, अंधांसाठी संगणक योजनेसाठी 40 लाख रुपये आणि दिव्यांगांना खेळाडूंसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी 7 लाख रुपये अशा अनेक योजनेचा लाभ आपल्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सन्माननीय जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतील, मोनालीताई सभापती असाल किंवा ज्या जिल्हा परिषदेचं उत्पन्न देणारा तर म्हणजे बांधकाम सभापती व नियोजन सभापती, नियोजन म्हणजे जिल्ह्यामधून जो काही उत्पन्न येतो त्या उत्पन्नावर किती टक्के पैसा खर्च करावा, कशा पद्धतीने करावं याचं नियोजन किशोर पाटलांनीही चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. तर सगळ्यात आधी आपण समाज कल्याण विभागाच्या सभापतींचं मनपूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे की अशा पद्धतीनं बऱ्याच वेळेस हा विभाग या योजना काय, नियम काय, कायदे काय हे लपवून दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते, परंतु आपल्या जिल्हा परिषदेच्या सभापतीनं हे सगळ्यांना कळावं अशा प्रकारे परिषद आयोजित केली, तेव्हा मी सभापतींचं सगळ्यात आधी मनपूर्वक अभिनंदन. एक काळ असा होता की या विभागाला अतिशय दुर्लक्षित विभाग होता, कोणी या विषयाकडे कधी लक्ष द्यायचं नाही. दिव्यांगांना काय अधिकार मिळतील, नोकऱ्या मिळतील, कुठेही म्हणजे या समाजात अतिशय अवघड बाब होती. परंतु आज सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे नवे सर्वसामान्य माणसाच्या पुढे सुद्धा जाऊ शकतो अशी शक्ती दिव्यांगांना निर्माण केलेली हे आपण लक्षात ठेवा. पण ही निर्माण करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली घटना ही तितकीच कारणीभूत होते. त्या घटनेला आधारभूत धरून केंद्र असो की राज्य असो यांनी केलेले कायदे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे, कारण समाजातील या घटकाला फार दूर ठेवता येणार नाही आणि या घटकाला दूर ठेवून समाजाचं एक मला असं वाटतं एक सामाजिक आरोग्य सुद्धा नीट राहणार नाही ही भूमिका सरकारची सातत्याने आहे. यहाँ पर जो है तो जितने भी कानून है ये कानून अंग्रेजी में हुआ करते है, लेकिन अपंग लोग जो रहते हैं बेचारे सबको अंग्रेजी आना ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो है तो हमने मराठी में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 इस नाम से जो है 2016 का जो कानून है उनको मराठी में लिखे हैं और उसको मराठी में आसान भाषा में लिखकर उसमें अपंग लोगों के लिए
क्या क्या सहूलतें दी गई है और अपंग लोग किस तरह से अपना विकास कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, लोगों पर मजबूर नहीं रह सकते हैं, ऐसी योजनाएं जो है वो उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये किताब को शाई किया है। आज इस किताब का जो है विमोचन अब्दुल सत्तार साहब के से हाथों किया गया है। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर आज शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से माजूरीन का रहनुमाई इजलास मुनक़द किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल के रियासती सदर किशोर बोरकर की सरपरस्ती में आज आलमी यौम माजूरीन के मौके पर नेहरू गार्डन में एक रहनुमाई इजलास मुनक़द किया गया। इजलास में कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी के अलावा सीनियर कांग्रेसी लीडर इब्राहिम पटेल, शेख मुनीर, शेख शकील, मिर्जा मजीद, कलीम खान, कलीम भाई और फैसल खान समेत विकलांग सेल के ओहदेदार और कसीर तादाद में माजूर मर्द व ख्वातीन मौजूद थे। और ये प्रोग्राम में इन्होंने सबने मिलके उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मसले हैं, उसके ऊपर बात की और वो हमारे कलेक्टर ऑफिस के ऑफिस में कुछ उनके प्रॉब्लम है, महापालिका के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये दोनों ही दफ्तर में जा कर के एक दिन इनका एक शिष्टमंडल, एक इनका जो सेल है उनको कॉरपोरेशन में ले जाके और कलेक्टर ऑफिस में ले जा करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात रखी है। और अपने आज इस दिन ये भी ठाना है कि हमारे जो मुदस्सर अंसारी है उनको और एक हमारे पठान साहब ने मांग रखी कि उनको संजय निराधार योजना के ऊपर वो कमेटी पे सदर बनाया जाए और वो भी कामयाबी हमको मिलेंगी ऐसा मुझे लगता है, क्यों तो हमारे पालक मंत्री और संपर्क मंत्री से बोल के वो भी बात होंगी। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी सेहत की दुआ करता हूँ, ये सब विकलांग लोगों के लिए, और उनको सेहत भी अच्छी मिले और दिन ब दिन उनकी अच्छी तरक्की हो। 3 दिसंबर कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से एक विकलांग मेला हुआ रखा गया था, जिसमें कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से हमारे जिला सदर जी हाथों विकलांग भाइयों में अंतर्जल आशंका तकसीम किए गए और साथ ही साथ विकलांगों की हौसला अफजाई की गई। मैं सभी विकलांग भाइयों को आज विकलांग दिवस की मुबारकबाद देता हूँ और कल्याण काले साहब ने हमें जो कहा है कि आने वाले वक्त में विकलांगों के मसले मसाइल हल करने में वो हमारा भरपूर ताउन करेंगे, मैं इनका तहे दिल से मशगूल और ममनून हूँ, यही बात मैं कहता हूँ, धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने औरंगाबाद शहर व जिला की कमान सरगरम लीडर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को सौंप दी। कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले क़ियादत में इस तब्दीली से पार्टी के मकामी कायदीन व कारकुनान में नया जोश नज़र आ रहा है। कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें तंजीमी सतह पर मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक अहम कदम उठाते हुए शहर जिला में पार्टी की कमान ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को सौंपी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने ख्वाजा शरफुद्दीन को शहर व जिला सदर की नामजदगी का मकतूब सौंपा। ख्वाजा शरफुद्दीन 3 मरतबा कारपोरेटर मंतखब हुए हैं, वो पार्टी में एक बेलौस, गैर मुतनाज़ा, सरगर्म और मकबूल कायद माने जाते हैं। पार्टी सरगर्मियों के अलावा सामाजिक खिदमात में भी वो आगे आगे रहते हैं। इनकी नामजदगी पर भाऊसाहब पाटिल चिकटगांवकर, साबिक मेंबर असेंबली संजय वागचोरे, रियासती जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, सुरजीत सिंह खुंगर, एकनाथ गौड़ी, वीना खरे, मिराज पटेल, सुधाकर सोनो ने मोहम्मद हबीब, तैयब खान, मंजूषा पवार, समीर मिर्ज़ा, मोहम्मद रजी, शेख आरिफ, अशरफ पठान और शेख नवाज़ वगैरह ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो चला एक वक्फे का, जल्द मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद, तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और
सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। शहर की तवज्जे का मरकज बने हुए लेबर कॉलोनी मुकदमे में मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने फैसला महफूज रखा। इस मुकदमे की समाअत आज मुकम्मल हुई। अब बेंच किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकता है। जिला इंतजामिया और लेबर कॉलोनी के साकिनीन के दरमियान ये तनाजा 8 नवंबर को उस वक्त शुरू हुआ था जिसमें जिला इंतजामिया ने म्युनिसिपल इंतजामिया की मदद से लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स को मुनहदम करने के लिए नोटिसें लगा दी थी। इसके बाद ये मामला संगीन हो गया। आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके साकिनीन ने लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति बना ली। समिति की जानिब से एडवोकेट प्रज्ञा तड़ेकर की मोरफत औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल करके जिला इंतजामिया और कारपोरेशन की नोटिस को चैलेंज किया गया था। जस्टिस गंगापुर वाला और जस्टिस लड्डा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच के रूबरू समाप्त हुई जिसमें समिति की वकील प्रज्ञा तड़ेकर ने अपने दलायल पेश किए और जिला इंतजामिया व म्युनिसिपल इंतजामिया की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से एडवोकेट धोरडे पाटिल, परवीन पाटिल, उषा वहाड़ और कारपोरेशन की जानिब से एडवोकेट जैन शाह ने अपना मौकूफ रखा। तीन दिन पहले फरीखैन के वकला ने बेंच के सामने अपनी बात मुकम्मल की जिसके बाद बेंच ने जुमा तक उन्हें अपनी बात रखने का आखिरी मौका दिया था। आज बेंच ने इस मुकदमे में अपना फैसला महफूज रख लिया। अब एक माह के अंदर किसी भी वक्त बेंच अपना फैसला सुना सकती है। पार्लियामेंट के जारी इजलास में बैंकिंग कानून में तरमीम का बिल पेश किया जा रहा है। कौमी बैंकों की तंजीमें इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अहदेदार देवीदास तुलजापुरकर ने तरमीमी बिल के खिलाफ मुर्खगीर हड़ताल का इशारा दिया। संघटनांची ही भूमिका है कि बैंकांचं खाजगीकरण जर केल्या गेलं तर ज्या बँका आज सामान्य माणसाला विकासाच्या वर्तुळात ओढतात आणि एकूणच देशाच्या विकासासाठी जी बँका भूमिका बजावतात त्याशी फार मोठी तडजोड केल्या जाईल। आज भारत सरकार आपल्या विविध योजना, मग ती जनधन योजना असो, मुद्रा योजना असो, फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना असो, ही बँकांमार्फत राबवते। ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचा वाटा 95% आहे। खाजगी बँका या केवळ नफा आणि नफ्यासाठी काम करतात। एवढं करूनही एकानंतर एक अनेक खाजगी क्षेत्रातल्या बँका कोसळलेल्या आहेत आणि जर बँकांचं खाजगीकरण झालं तर सामान्य माणसाची बचत धोक्यात येईल। बँकिंग हे सामान्य माणसासाठी राहणार नाही। या भूमिकेतून हे आंदोलन युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या वतीने छेडण्यात आलेलं आहे। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए घाटी अस्पताल में तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए 33.8 करोड़ रुपए फंड की ज़रूरत है। अस्पताल इंतजामिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर से ये रकम फराहम करने की दरख्वास्त की। ओमिक्रॉनच्या अनुषंगाने तीसरी लाट की शक्यता दाट असल्यामुळे त्या अनुषंगाने 40% वाढून पहिली आणि दुसरी लाटेपेक्षा 40% वाढून निधी व मॅन पॉवर असा आकडा आम्हाला प्रस्ताव सादर करणे त्या अनुषंगाने सरांनी आता विवरण सांगितलेलं आहे। तरी आम्हाला जो मॅन पॉवर जो पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत होता ते 300 आसपास होतं, त्या अनुषंगाने आम्ही सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 400 मनुष्यबळ लागेल असं अंदाजपत्र आम्ही आज माननीय अधीक्षक सर सादर करणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही उपाययोजना करून ह्या लाटेला पण थोपवायचे प्रशासन सज्ज करू। ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंबंधी MSR वैद्यकीय अधीक्षक काशीनाथ चौधरी सर आणि राठोड सरांच्या अंडर आम्ही एक मीटिंग घेतलेली आहे आणि OPD मध्ये प्रत्येकाने मास्क वापरणे, फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळणे ह्या गोष्टी आम्ही कर्मचाऱ्यांना सांगितल्या, तसेच
की जे पेशंटमध्ये त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस वाढवण्यासाठी आम्ही पर्याय प्रयत्न करत आहोत. सध्या तरी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर त्याचे पेशंट नाही आहे, 2-3 सापडलेले आहे. पण आता शासनाचे जसे WHOचे गाईडलाईन येतील त्या हिशोबाने आम्ही पुढचे त्या गाईडलाईननुसार आम्ही आपल्याकडे. औरंगाबाद में मुनफरद धम मिशन पैगोड़ा बनाया गया है. ये मुल्क का पहला ऐसा पैगोड़ा है जिसको सोने की छतरी के साथ बनाया गया. इसका इफ्तिताह 6 दिसंबर को महाप्रायण दिन के मौके पर किया जाएगा. ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भदंत ज्ञान रक्षित थेरो ने बताई. मैं अपने सर्व बौद्ध उपासक उपासिकांना व बुद्ध अनुयायांना शांतिप्रिय सर्व सज्जनांना असे आवाहन करतो की आपण या ऐतिहासिक कार्यक्रमामध्ये श्रावस्ती बुद्ध विहारामध्ये यावे. कारण यामध्ये सोन्याची छत्री ठेवून या पगोड्याचे उद्घाटन होणार आहे आणि ज्याच्या खाली भगवान बुद्धाला ज्ञान प्राप्त झाले त्या बोधिवृक्षाची शाखा एका सोन्याच्या डबीमध्ये ठेवून या पगोड्यामध्ये धातुगब्ब बनवल्या जाणार आहे. त्याचबरोबर वर्तमान सम्यक संबुद्ध व भावी सम्यक संबुद्धासाठी भिक्षू वापरतात बुद्ध वापरतात त्या 8 वस्तूसुद्धा या पगोड्यामध्ये ठेवून ऐतिहासिक पद्धतीनं धम्मविनयाला अनुसरून या पगोड्याचे उद्घाटन श्रीलंका, थायलंड, ब्रह्मदेश व आपल्या भारतातील ज्येष्ठ भिक्षूंच्या शुभ हस्ते होणार आहे. आणि आपण सर्वांनासुद्धा हे महापुण्य संधी प्राप्त होणार आहे. तरी सर्वांनी बाबासाहेबांची जी इच्छा होती, जो संकल्प होता भारत बौद्धमय करण्याचा, त्या भारत बौद्धमय करण्याच्या दिशेने हे एक छोटंसं पाऊल आपण टाकत आहोत. आणि हा धम्म मिशन पगोडा धम्म अशोक सम्राट अशोकांना, बाबासाहेबांना व पूज्य गोयंका गुरुजींना हा समर्पित केला जाणार आहे. तरी आपण सर्वांनी याची नोंद घ्यायची आहे. आणि पूज्य आनंद बोधी महाथेरो यांच्या चैत्याचे उद्घाटन पूज्य भिक्खू संघाच्या हस्ते होणार आहे. कारण त्यांनी बाबासाहेबाला पाहिलेलं होतं म्हणून बाबासाहेबाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठीच मी हे कार्य हाती घेतलेलं आहे. तरी आपण सर्वांना मी आवाहन करतो की आपण सर्वांनी यावे. नाजरीन, खबर खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल नदवी ने कहा, इंसानियत के बगैर कोई मजहब नहीं, दरिंदगी के दौर में इंसानियत को आम करना जरूरी. बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए. पुलिस बॉयज एसोसिएशन के सदर रवि वैद्य का वजीर आला से मुतालिबा. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कारजा शरफुद्दीन मुल्ला को शहर व जिला की सौंपी कमान. और लेबर कॉलोनी मुकदमे की समाअत हुई मुकम्मल, औरंगाबाद बेंच ने महफूज रखा फैसला. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.